ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशंस में काफ़ी तरह के चेंजेस आए हैं, काफ़ी फाइंस इंप्रूव कर दिए गए हैं, 10 times उसके काफ़ी रेट्स हो गए हैं। अगर मैं बात करूँ आपसे बहुत सारी चीज़ों के, तो हेलमेट का 1000 तक चला गया है, विदाउट लाइसेंस 5000 तक चला गया है। उसके अलावा अगर हम ड्राइविंग अगर हम करें डिस्क्वालिफिकेशन के बाद भी, तो 10000 तक का इसका फ़ाइन चला गया है। बच्चों के लिए जो अभी लाइक दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द लाइसेंस, या उस तरह की ड्राइविंग की अगर हम बात करें, तो 25000 तक का फ़ाइन लगेगा पेरेंट्स को, और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। काफ़ी नई तरह के लेके आए हैं फाइंस, ड्रंकन ड्राइव 10000 rupees स्ट्रेट अवे फाइन है, बहुत सारे फाइंस इंक्रीज़ किए गए हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे मेरा ओपिनियन क्या है, वो आपके साथ डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, जो चलान के जो रेट्स हैं इतने ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। और अगर मैं बात करूँ, जो मुझे वैसे पर्सनली सबसे अच्छा लगा ना उसमें, ये है कि अगर कोई इन्फोर्सिंग अथॉरिटी, कोई पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, कोई इस तरह के ऑफिसर्स जो होते हैं, वो उनका चलान होता है या उनका फ़ाइन होता है, तो जितने भी ये रेट्स हैं उनका डबल रेट लगेगा। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है ऑनेस्टली, जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी। उसके अलावा जो मेरा ओपिनियन है इन चीज़ों को लेकर, वो मुझे ये लगता है कि चलान के जो ये रखे गए हैं रेट्स वगैरह, वो ठीक रखे गए हैं, ज़्यादा नहीं है। अगर हम बात करते हैं बाकी कंट्रीज़ के बारे में, हम कहते हैं कि यार US में ऐसा है, UK में ऐसा है, फ्रांस में ऐसा है, कि ये इतना डेवलप कर रहे हैं कंट्रीज़, दुबई वगैरह में कितना मानते हैं कि रूल्स जो हैं वो काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, वो एक्चुअली लोग फॉलो नहीं करते, वो लोग के जो रूल्स हैं वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि उनको फॉलो करने पड़ते हैं। अब फ़ाइन इतने ज़्यादा हैं, फ़नी इंसिडेंट्स होते हैं, हमारे अभी फ़ाइन 1 September से शुरू हुए हैं। उसी में अगर मैं बात करूँ, तो दिल्ली में एक केस हो भी गया कि दिल्ली में एक पर्सन जो था, उसका चलान होता है 23000 rupees का, तो वो अपना चलान छोड़ के बाइक अपनी वहीं पे छोड़ के उठ गया कि यार मेरी जो व्हीकल की वैल्यू वही 15-16000 पे, तो मैं अब 23000 का चलान कहाँ से पे कर दूँ। मैं 15000-16000 तक की उसके व्हीकल की वैल्यू है, तो 23000 तक का चलान वो कहाँ पे करे, चलान किस बेसिस पे, डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, हेलमेट नहीं था उसके पास। तो इस तरह के चलान हैं बहुत सारे, जो चलान इम्प्रूव किए गए हैं बहुत जगह पर, ऐसा है कि लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि चलान के रेट्स बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है। जब तक रूल्स स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, रूल्स किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए थोड़ी है, हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। अब ड्रंकन ड्राइव का 10000 rupees, क्या आप जानते हैं कि एक जब एक पर्सन ड्रिंक की हुई है किसी ने, वो ड्राइव कर रहा है उस टाइम पे उसकी लाइफ तो डेंजरस, मतलब डेंजर में है ही, डेंजर में है ही। उसके अलावा अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है कहीं पे वो हिट कर जाता है, तो 2-3 लोग और मर सकते हैं, या उनके वैसे सीरियस इंजरी हो सकती है। 10000 rupees उनकी लाइफ या अपनी लाइफ की वैल्यू से तो बहुत कम है ना, बहुत 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 कम है। उस अगर हिसाब से हम देखें तो 10000 ड्रंकन ड्राइव के कुछ भी नहीं है। अब अगर 10000 का एक डर बैठा होगा लोगों के मन में कि यार पहले 1000 रुपये फ़ाइन था, पर्सन ड्रिंक कर चला लेते थे, 1000 रुपये पे करके ख़त्म करते थे उसको कि चल हो गया चलान, बट अब ऐसा नहीं है। अब 10000 होगा तो कहीं ना कहीं पर्सन के मन में डर होगा उस चीज़ को लेके, और वो अवॉइड करेगा ड्राइव करना, और उससे क्या होगा, लोगों की जेन्युइनली जान बचेगी। अब उस वजह से क्या है कि गवर्नमेंट उस तरीके से अगर हम सोचें, हम भी अगर उस तरीके से सोचें, गवर्नमेंट उस तरीके से सोचे, तो फाइंस के रेट ज़्यादा नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ में ज़्यादा हैं, तो हमें उस तरह बनना भी तो है, उस तरह इम्प्रूव भी तो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और चीज़ डिस्कस करना ज़रूरी है कि मेरा मानना ये है कि जितना ये फ़ाइन कलेक्ट होता है उसको यूज़ किस हिसाब से किया जाए। दो जगह एक्सीडेंट्स हमारी गलती की वजह से होते हैं, किसी और की गलती की वजह से होते हैं, मतलब ह्यूमन एरर होता है तब हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं, एक रीज़न ये होता है एक्सीडेंट होने का। दूसरा रीज़न होता है बैड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बैड रोड्स, लाइट्स वर्क नहीं कर रही हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स काम नहीं कर रहे प्रॉपर, इवन रेलवे क्रॉसिंग पे अगर बैरियर काम नहीं कर रहा, तो जितना ये फ़ाइन कलेक्ट हो रहा है ये रोड्स में, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये उसके रूल्स एंड रेगुलेशन में, प्रॉपर लाइटिंग हो गई, डिवाइडर्स होते हैं वहाँ पर प्रॉपर मार्किंग नहीं होती है, पेंट जॉब नहीं प्रॉपर हुई होती, वो अगर प्रॉपर की जाए उस वजह से एक्सीडेंट्स के जो चांसेस हैं काफ़ी कम हो जाएंगे। तो जितना ये पैसा इकट्ठा होता है चलान्स का, फाइंस का, स्टेट वाइज ये वहाँ पर यूज़ होना चाहिए उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। सेकंड ये कहाँ होना चाहिए, मुझे बड़ा लगता होता है कि चाहे बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, पोल्यूशन हो, फिर भी हमारे ट्रैफिक पुलिस पर्सन जितने हैं, ऑफिसर्स हैं, चाहे छोटे रैंक के हों चाहे बड़े रैंक के हों, फिर भी मेहनत करते रहते हैं, धूप में खड़े मेहनत करते हैं, चौक के ऊपर खड़े होकर मेहनत करते हैं, कितना पोल्यूशन उनको पूरे दिन में टॉलरेट करना पड़ता है, उनकी बेटरमेंट में ही जाना चाहिए। उनके लिए प्रॉपर शेल्टर्स बने, उनको प्रॉपर इक्विपमेंट्स मिले, पोल्यूशन से उनको बचाया जाए, और साथ के साथ उनको प्रॉपर यूनिफॉर्म्स दी जाएँ, एंड उनको प्रॉपर बूट्स दिए जाए। मैंने बहुत बार देखा है कि रेनी सीजन्स में पुलिस ऑफिसर्स को अपने शूज़ उतार के नंगे पैर बेचारे पैंट फोल्ड करके चौक के बीच में खड़े होकर ट्रैफिक रेगुलेट कर रहे होते हैं कि किसी तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए सिटीजन्स को। अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है एक तरह का। तो उनकी इम्प्रूवमेंट, उनके
उनको फैसिलिटेट करना चाहिए गवर्नमेंट को, और जो ये फाइन्स इकट्ठे होते हैं ज़्यादा अगर होते हैं तो ये सारे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लगने चाहिए, उनकी बेटरमेंट में लगने चाहिए, उनकी वेलनेस में लगने चाहिए कि उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। इसमें प्रॉपर शेल्टर्स आ जाते हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म आ जाती है, प्रॉपर रात में शाइन करने वाली रेडियम वाली जो यूनिफॉर्म्स आती हैं, जैकेट्स आती हैं, वो आनी चाहिए। उसके अलावा मेरे हिसाब से बाकी भी ट्रैफिक लाइट्स वगैरह इस अकॉर्डिंगली बननी चाहिए कि कम से कम पुलिस पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो। चलान वगैरह में भी अगर जितने ज़्यादा कैमराज वगैरह लगेंगे उतना इनको खुद खड़ा कम होना पड़ेगा, तो वो एक अच्छी चीज़ है। उससे मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरफ इधर इंक्रीज़ करना चाहिए, और मेरा ख्याल से गवर्नमेंट ऐसा करेगी भी। अगर आप एक नई गाड़ी परचेज़ करने का सोच रहे हैं और आपको कन्फ्यूजन होती है कि नई गाड़ी का बजट कितना रखा जाए, नई गाड़ी के बजट को सोचने के लिए आपको अपनी पुरानी गाड़ी की वैल्यू जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए उसकी बेस्ट वैल्यू जानने के लिए कास्ट 24 एक कमाल का कॉन्सेप्ट है। उसकी वजह से आप अपनी गाड़ी की फ्री इंस्पेक्शन करा सकते हैं, बेस्ट वैल्यू आपको पता लग जाएगी गाड़ी की, फ्री आरसी ट्रांसफर्स भी हैं, साथ में इंस्टेंट पेमेंट्स है, सिंगल विजिट में आप अपनी गाड़ी बेच सकते हैं। एक से डेढ़ घंटे का टोटल प्रोसेस है आप गाड़ी बेचने का, और फ्री इंस्पेक्शन जो आपकी होती है उसमें आपको बेस्ट वैल्यू पता लग जाती है, और ऑल ओवर इंडिया आप इसे करा सकते हैं। 45 सिटीज़ कवर करती है कास्ट 24। तो ये था मेरी तरफ से मेरा ओपिनियन कि चलान के जो रेट्स इंक्रीज़ हुए हैं ये होने चाहिए थे या नहीं, और ये किस तरह से यूज़ होने चाहिए। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ये ज़रूर डिस्कस करें, नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरे साथ अपना ओपिनियन शेयर करें कि आपके हिसाब से जो नए चलान ये आए हैं किस तरह के हैं, क्या ये रेट सही हैं, क्या इससे भी ज़्यादा रेट होने चाहिए या फिर रेट कम होने चाहिए। मेरा ओपिनियन सही रेट है, होने चाहिए, लोगों के मन में डर होना चाहिए। बाकी जब भी आप गाड़ी चलाएं बेल्ट ज़रूर पहने, बाइक चलाएं तो हेलमेट ज़रूर पहने एक्टिवा वगैरह में भी, और ड्राइव सेफ, या ड्राइव सेफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं लेट पहुंच जाएंगे थोड़ा तो चलेगा, ना पहुंचने से तो बेटर ही है ना। सो यू शुड ऑलवेज ड्राइव सेफ, और दूसरों का भी ख्याल रखें। आप अपने आप को भी तो यू नो डेंजर में डालते हैं, अगर आप हेलमेट नहीं डाल रहे या बेल्ट नहीं डाल रहे तो दूसरे को भी आप कर रहे हो डेंजर में। एक्सीडेंट्स वगैरह ज़रूरी नहीं आपकी गलती की वजह से हो, आप बहुत अच्छे ड्राइवर हो गए मैं मानता हूँ, लेकिन कई बार दूसरा ड्राइवर अच्छा नहीं होता, नया ड्राइवर होता है, बच्चा होता है कोई, तो उस चीज़ को अगर हम कंसिडर करें तो एक्सीडेंट ज़रूरी नहीं आपकी गलती से, दूसरे की गलती से हो सकते हैं, लेकिन नुकसान दोनों तरफ का होगा। उसके लिए आपको अपनी ड्राइविंग बहुत ध्यान से करनी चाहिए, सेफ तरीके से करनी चाहिए, और अपने बच्चों को ड्राइविंग के लिए अभी ना दे जब तक वो एलिजिबल नहीं हो जाते ड्राइविंग के लिए, क्योंकि फ़ाइन भी बहुत तगड़ा है, 25,000 का फ़ाइन और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, तो उस चीज़ को भी कंसिडर करें। अब ये सब था मेरा चलान के बारे में ओपिनियन, आप भी मुझे बताएं आपका ओपिनियन क्या है। इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, काफ़ी तरह की टिप्स हम अपलोड करते रहते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।